दोस्तों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किसी आधार कार्ड को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फेक ना हो, फर्जी ना हो। हम ऑफिशियली अगर कहीं जॉब करते हैं, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे हमारे लिए आधार कार्ड को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल जो है कुछ फर्जी आधार कार्ड कुछ लोग एडिट करके जो है किसी तरह से वो डॉक्यूमेंट ले आते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम उस आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है और आपने QR कोड स्कैनर जो है यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको कई सारे जो है QR बार कोड स्कैनर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं एक आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, गमा प्ले कंपनी का जो है, इसको आप ओपन करिए और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। तो ये इस तरह से जो है ये ऐप ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्कैनर जो है इसका ओपन हो गया है। और इसकी जो आपने सेटिंग जो है वो आपने इस तरह से रखनी है। इसके अंदर बीप, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये जो है ये सारी चीज़ें जो टिक आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से आपको टिक कर लेनी है और फिर जो है आपने स्कैन पे क्लिक करना है। दोस्तों जब हम स्कैन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है स्कैन करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। तो अब हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपका जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड को ही ये जो है स्कैन करेगा। इसके लिए अब हम देखते हैं स्कैन करके। यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे जो बारकोड स्कैनर है यहाँ पे लगा हुआ है, देखो कि ये जो बारकोड पे जैसे हम लेके जाते हैं तो ये जो है इसने स्कैन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस आधार कार्ड की जो है, आधार कार्ड का नंबर, उसके ऊपर नाम, उसका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। तो इस तरह से हम जो है किसी भी आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफिशियली इस डिटेल को जो है शेयर करनी है, मेल करनी है या व्हाट्सएप पे करनी है, तो आप शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे इस डिटेल को जो है शेयर कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट लेकर इसको अटेस्टेड करके भी आप इसको वैलिड तरह से डॉक्यूमेंट की तरह ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो हम लगभग डेली अपलोड करते हैं। अगर आप अपने टेक्निकल लाइफ में अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।